भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी घटनाएं लगातार देश भर से सामने आ रही है। वही मेवाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा। बेशक आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा हो, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मी पुलिस प्रशासन निस्वार्थ अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को इस बीमारी से बचा रहे हैं। बजाय उनके आभार के उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें तिरस्कृत करने के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पुन्हाना उपमंडल के सबसे शिक्षित गांव बिस्रू का प्रकाश में आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड-19 की जांच के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार और महिला कर्मियों के साथ छेड़छाड़ और मस्जिद में निकाह करने की टिप्पणी की गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायत की। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की 44 टीमों में से 32 टीम उपमंडल के सबसे शिक्षित गांव बिस्रू में कोविड-19 की जांच के लिए गई, जिसमें टीम नंबर 38, 28 व 41 के साथ बदसलूकी व दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, महिला कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर अश्लील हरकत व उनसे मस्जिद में निकाह करने की टिप्पणी, साथ ही ग्रामीणों ने ये तक कह दिया कि किसी भी तरह की जांच के लिए गांव में न आए, जिससे कि कर्मियों में भय का माहौल बना हुआ है। जहां कर्मियों का कहना है कि टीम ने वहां से भागकर अपने आप को बचाया और इसकी शिकायत लिखित तौर पर अपने आला अधिकारियों को दी, परंतु आला अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई न होने पर मजबूरन सभी को अस्पताल परिसर में धरने पर बैठना पड़ा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई व प्रत्येक टीम में 2 महिला कर्मियों के साथ 1 पुरुष कर्मी और सिपाही हो, जिससे कि जांच करने में कोई अप्रिय घटना न कर सके। तो हमारे 2 लड़कियों के साथ इतना बुरा हादसा हुआ, एक को तो अंदर कमरे में पकड़ के खींच रहे थे, 20 लड़कों ने उसको घेर लिया, गंदे गंदे कमेंट्स बोल रहे थे उनके बारे में। दूसरी लड़की जब आंगनबाड़ी वर्कर थी, चोर एक गंदी थी, उसने उनसे दोनों से कहा कि इन्हें अंदर खींच लो। आ जाओ साइड में, आ जाओ, हाँ ठीक है। जो आपसे बदतमीजी हो रही है, मेरी पुनाना पीएससी पे सब सेंटर पे जॉब है जी। ये बीसरू गांव में 3 पॉजिटिव केस निकले थे जमात वालों के, इसलिए पूरे गांव की स्क्रीनिंग की गई है और हमें ड्यूटी पर लगाया गया था कि सारे बंदे सर्वे करो चाचा का। तो हम वहाँ सर्वे के लिए गए थे, तो हमारी 44 टीम बनी गई थी जी, जिसमें से 34 टीम बीसरू में थी और 10 टीम थी हमारी फेदड़ी में। और लोगों को मतलब हमारी टीम जो थी वो एक एक बंदे की बना दी। हमने ये बात कल भी कही थी डॉक्टर से कि जी हमें 3-3 बंदे दे दो कम से कम। उन्होंने कहा कि मैं जॉब करने तो करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। किसने बोला था ये? डॉक्टर ने बोला था और मैडम ने बोला था। अच्छा। उसके बाद हम जी चले गए कि बीमारी का वो है, चलो चलते हैं। चले गए जी वहाँ जी, कहती 2 लड़कियों के साथ तो इतनी बदतमीजी हुई कि एक लड़की को तो जबरदस्ती 20 लड़कों ने घेर लिया। कौन से गांव की बात? बीसरू गांव में जी। एक लड़की को 20 लड़कों ने घेर लिया, जब वो जान बचा के भागी अपनी, उसका हाथ छीना, हाथ मतलब हाथ पकड़ा और फोन छीन लिया और उसे हाथ के कागज छीन लिए उसके। उसके बाद बेचारी जान बचा कर इज्जत बचा के अपनी वो किसी के घर में घुस गई। दूसरी लड़की के साथ एक आंगनबाड़ी वर्कर थी और एक लड़की थी वो निरंजना नाम की। उसने कहा कि जैसे वो सर्वे में नाम पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इनको ना जबरदस्ती बिठाओ और मस्जिद में ले जाकर इनके साथ निकाह कर लो। और आंगनबाड़ी वर्कर से उन्होंने ये बोला कि हम इस हमारे हाथ में बंदूक है, इसके 6 की 6 गोली ठोक दो इनके ऊपर। और एक मेल वर्कर भाई के साथ धक्का मुक्की की और हमने अपने सुपरवाइजर को फोन किया तो उन्होंने फोन भी अटेंड नहीं करे। सुपरवाइजर कौन आपके? हमारे वो लगा रखे थे जी एमओ एचआई, नाम क्या उनके? एक जम्मन था और डॉक्टर रजनीकांत था, डॉक्टर संजय। SMO साहब को आपने लिखित में कंप्लेंट दी थी? हमने क्या जवाब दिया? हमने सुबह जब उनको लिखित में कंप्लेंट दी तो वो सीधी गाली देके बोली और कहा कि इनको जेल में डलवा दो, इनको पुलिस बुलाओ और जेल में डलवा दो। हमने अपनी सिक्योरिटी मांगी थी। हाँ जी, हमारे ऊपर ही ब्लेम डाला था और इनके खिलाफ FIR करवाओ। हमने अपनी सिक्योरिटी मांगी थी जी, हमने जॉब से या अपने अपने कार्य से हमने अपने हाथ दिल नहीं चुरा रहे थे जी हम, और ये हमारा हक है जी कि हमें सिक्योरिटी दी जावे। और कुछ मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हो? मीडिया के माध्यम से यही कहूंगी जी, कोरोना का जो दौर चल रहा है ना, इसमें हम तन मन धन से बिल्कुल अपने बच्चों को भी अपनी जान को भी दांव पे लगा कर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो बात है थोड़ी सी सेफ्टी दी जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस, और लोग हमें कोऑपरेट करें। क्या है आपकी मांग? हमारी मांग ये कि अगर हम काम के लिए जाएंगे तो हमें फुली प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है,
और दूसरे हमारे जो भी सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, एमओ हैं या एसएमओ वगैरह जो भी हैं, वो भी फील्ड में जाके हमें कोऑपरेट करें और हम एक एक एमओ की हमारे साथ ड्यूटी लगाई जाए कि वो हमें वहाँ पे फुल कोऑपरेट करें और देखें कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीएचसी पुनाना में कार्यरत हूँ और कल हम कोविड 19 के दौरान बिसरू गांव में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, सिंगल पर्सन को लगाई गई थी, हमारे साथ कोई भी हेल्प के लिए नहीं रखा गया था, लेकिन वहां पर गांव के लोगों द्वारा फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी हुई, छेड़छाड़ हुई, जिससे हमने अपने सुपरवाइजर व एमओ को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अगले दिन लिखित में एसएमओ को दिया, लेकिन एसएमओ ने उल्टा ही हमारे ऊपर गाली गलौज की। एसएमओ क्या नाम है? डॉक्टर आशा नाम है। अच्छा, बदतमीजी की गाली गलौज की, उन्होंने नौकरी से निकलने की धमकी दी और एफआईआर करने की भी धमकी दी, और उसके बावजूद फिर हमने आगे अपने उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दी है। अब अभी आपके एजेंट साहब से मुलाकात हुई डॉक्टर विशाल शर्मा जी से। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया है कि मैं सीएमओ साहब से मिलकर आपका कोई सोल्यूशन कराती हूँ और आपको अकेले नहीं भेजा जाएगा, पूरी सेफ्टी के साथ आपको गांव में भेजा जाएगा। आप संतुष्ट हैं? हम उनसे संतुष्ट हैं। आज हमें स्टाफ से थोड़ी सी शिकायत मिली थी कि उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया है वहाँ पर विलेज में। इस टाइम जो स्वास्थ्य कर्मी है हमारे, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हमें ऑर्डर दे दिए गए हैं संभव को कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए तीन तीन के ग्रुप बनाए जाएँ, जिसमें दो लेडी वर्कर हों और एक कोई जेंट्स स्टाफ हो, ताकि वो सुरक्षित रहें और आप अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से पूरी कर पाएँ। एसएमओ साहब आशा जिनका नाम है, वो बद्दी बद्दी गालियां देती है स्टाफ को, कुछ ऑडियो क्लिप हुए हैं जो हम नहीं सुना सकते किसी कारण, बस तो उस बारे में क्या कहना आपको? देखते हैं, अभी पता लगाते हैं इसमें ज्यादा, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है अभी। अभी हम वहाँ पता भी लगाएंगे कि वहाँ पे किसने किया है, क्या किया है, कैसा हुआ, सब पता लगाया जाएगा। ठीक है, पुन्हाना से केकेडे न्यूज संवाददाता संदेश माथुर की रिपोर्ट। देश और दुनिया में जहां कोरोना वायरस की दहशत और लॉकडाउन से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं रोज कमाने खाने वालों पर आर्थिक संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। जहां राज्य और केंद्र सरकार भी इनके लिए पूरी मदद की कोशिश कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश आचार्य चाणक्य के महासभा के तत्वाधान में ग्राम सभा सराय विभाग रसिकापुर के निवासी जगदीश उपाध्याय के यहाँ गरीब असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गयी। वहीं जगदीश उपाध्याय ने बताया कि वह गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और साथ ही उन्होंने सभी को सामाजिक दूरी व घरों में रहने की अपील भी की। वहीं दौरान चंद्रदत्त उपाध्याय, अरुण पाठक, धर्मराज मिश्र, उदय राज मौर्य, सूर्य प्रकाश पाठक, योगेश द्विवेदी, राजीव उपाध्याय, पंडित विश्वनाथ कन्हैया लाल, विमलेश उपाध्याय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जगदीश उपाध्याय गुड्डू, ग्राम सराय विभाग। अच्छा, आज जो है गरीबों को कुछ यहाँ वितरित हुआ, आप उसके बारे में बताएं। आज हमने अपने यहाँ जो है लगभग 60-65 लोगों को, ऐसे जो गांव में जरूरतमंद असहाय गरीब हैं, उनको आटा, चावल, आलू, सब्जी, नमक, साबुन, चीनी, मसाला, ये सब वितरित। और कुछ कहना चाह रहे हैं उन लोगों सुरक्षा के लिए? यही कहना है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो गरीब बेचारे असहाय हैं, जो अपना रोज मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे,
उनको समय दिक्कत हो रही है, इसलिए जो है उनकी मदद करना ज़रूरी है। और मैं सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में कोई भूखा न रहने पाए, लोग जरूरतमंदों की मदद। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट।